डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट वेलकम बैक वंस अगेन सो बेटा अर्ली इन द मॉर्निंग मैंने आपका दूसरा यूनिट कंप्लीट किया था एंड मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि दिन में आज दो क्लासेस होंगे सो हियर आई एम विद यू विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट्स यूनिट नंबर थ्री एंड यूनिट नंबर थ्री इज मोटिवेशन वेरी सिंपल तो जल्दी जल्दी से एक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे मोटिवेशन का मतलब क्या है और जल्दी से टाइप्स ऑफ मोटिवेशन भी आपके साथ डिस्कस करेंगे फिर रहता है दो थ्योरीज मैसलोज थ्योरी एंड मैकलिलेंड्स थ्योरी तो वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे इनशाला कल तो बाय दिस इनशाला हम जल्दी से आपका सारा जो सिलेबस है वो कवर करके देंगे जस्ट स्टे विद योर शायद सर तो हेयर वी आर अब देखिए बेटा वॉट इज मोटिवेशन पहले ने, नेचर और मीनिंग की बात करेंगे देखो अगर वहां पे क्वेश्चन आया ना नेचर एंड मीनिंग ऑफ मोटिवेशन तो याद रखेंगे पहले मीनिंग हम आपको बताएंगे तो नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए आपको बहुत सारी डेफिनेशन उसको याद रखना है तो यहाँ पे भी मैंने दो चार डिफिनेशन दिए हैं उन्हीं को फोकस करेंगे इनशाला और इसी के साथ आपका पहला जो क्वेश्चन है ऐसे ठीक हो हो या कम्प्लीट हो सकता है, है। देखिए लर्निंग के लिए किसी भी लर्न आ, आपको कोई काम सीखना है आपको लर्न करना है तो लर्न करने से पहले आप में इंटरेस्ट होना चाहिए आप में मोटिव होना चाहिए आप में मोटिवेशन होनी चाहिए तो जितनी ज़्यादा आप में मोटिवेशन होगी ना उतनी ज़्यादा आप कोई भी एक्टिविटी अगर आप करते हो तो वो आप एक्टिविटी बहुत ही आराम से कर सकते हो तो मोटिवेशन का मतलब यहाँ पे क्या है अगर आप पहला टर्म देखेंगे ना मैंने मोटिवेशन के अंदर क्या लिखा है मैंने लिखा है मोटिवेशन इज़ द हार्ट ऑफ लर्निंग यस डियर तो एनी टाइप ऑफ लर्निंग

टू मूवमेंट और एक्टिविटी अब देखो इसी पॉइंट को आप फोकस करेंगे कि मूवीर का मतलब यहाँ पे है एनी एक्टिविटी और मूवमेंट ऑफ एक्टिविटी अब मोटिवेशन का मतलब क्या है इट इज अ प्रोसेस ऑफ अराउजिंग एक्शन सस्टेनिंग एक्टिविटी इन प्रोग्रेस रेगुलेशन एंड डायरेक्शन पैटर्न ऑफ एक्टिविटी थ्रो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन देखिए भाई यहां पे इसने अलग से से लिखा है देखो, for example, आपको cycle चलाना है देखो आपको चलाना लेकिन cycle चलाने से पहले क्या आप में कार आर ड्राइव मोटर बाइक तो अंदर से एक लेवल आप में बढ़ जाएगी एंड यू विल मूव टुवर्ड्स द साइकिल अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है आ, आप मोटिवेटेड नहीं हो आप नहीं चाहते हो कि मैं साइकिल चलाऊं तो आप साइकिल के साइकिल uh, के पास नहीं जाओगे तो अगर आप वाकई चाहते हो कि मुझे कोई काम करना है तो काम करने तक आप अंदर से कोई आपका अराउजल लेवल बढ़ जाएगा जो आपको कंपेल करेगा कि भाई ये एक्टिविटी आपको जरूर करनी है उसी चीज को यार क्या कहते हैं मोटिवेशन तो दिस इज द रीजन मोटिवेशन इज बेसिकली द हार्ट ऑफ लर्निंग तो लर्निंग एनहेंस हो जाती है आप कोई भी काम जल्दी कर पाते हो अंडरस्टैंड करते हो बिकॉज इसके रिलेटेड ना आपके अंदर ख्वाहिश है आप इंटरेस्टेड हो आप मोटिवेटेड हो तो मोटिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लर्निंग। तो इन शॉर्ट, वी कैन से मोटिवेशन इज वन ऑफ द डिटर्मिनेट ऑफ बिहेवियर तो हमारे बिहेवियर को जो डायरेक्ट कर रहा है दैट इज अ मोटिवेशन तो मोटिवेशन डायरेक्ट्स अवर बिहेवियर व्हाट देखो और एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं सपोज आपको भूख लगी तो जब आपको ज्यादा ज्यादा भूख लगती है ना तो आप किसके पास जाओगे खाने के पास सो so नाइस nice. तो अंदर से आपको यार कोई आवाज दे रहा है स्टॉमक दे रहा है आवाज दे रहा है कि भाई मुझे भूख लगी आप खाने को लाइक कुछ लेकर आओ तो आप खाने के लिए दौड़ते हो आप कोई एक्टिविटी करते हो आप ये क्यों एक्टिविटी करते हो क्योंकि आपको भूख लगी जब तक आप खाना नहीं खाओगे तब तक आप बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाओगे समझ आ गया तो वंस यू ईट द फूड यू आर मोटिवेटेड नाउ तो यू हैव आई होप बेटा इट्स क्लियर तो इसका मतलब है जो मोटिवेशन है ये हमारे बिहेवियर को क्या कर रहा है डायरेक्ट कर रहा है आई होप बेटा मीनिंग आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा अब देखिए चलते हैं बेटा अगर हम नेचर को एक्सप्लेन करेंगे देखिए भाई नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक दो डिफिनेशनज यहाँ पे याद रखने हैं अगर हम बेटा लॉवेल की बात करेंगे लॉवेल क्या कहता है मोटिवेशन के रिलेटेड वो कहता है मोटिवेशन इज साइकोलॉजिकल और इंटरनल प्रोसेस इनिशिएटेड सम नीड देखो हमारे बॉडी के अंदर अगर किसी चीज़ की कमी होती है तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमारी बॉडी में अराउजल लेवल बढ़ जाता है और वो काम हम करते हैं मैंने एक एग्जांपल दी कि नीड क्या है आपको खाने की जरूरत है यानी आपको भूख लगी भूख लगने का मतलब है आपको खाने की कमी है जब तक आप खाना नहीं खाओगे तब तक आपका बिहेवियर सही नहीं होगा तो आपको कोई अंदर से मोटिवेट करा रहा है भाई जाओ हाँ खाना लेकर आओ तो यही है ना मोटिवेशन इज साइकोलॉजिकल और इंटरनल प्रोसेस इनिशिएटेड बाय सम नीड तो नीड अराइज हुई तो so अराइज होने के बाद आप मोटिवेशन मोटिवेशन में आ गए इसी तरह बेटा अगर जॉनसन की डेफिनेशन देंगे मोटिवेशन इज द इन्फ्लुएंस ऑफ जनरल पैटर्न ऑफ एक्टिविटी इनिशिएटिंग एंड डायरेक्टिंग द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म तो जॉनसन कहता है कि मोटिवेशन एक्चुअली ये इन्फ्लुएंस है एक्टिविटी का जो हमें हमारी एक्टिविटी को इनिशिएट और हमारे बॉडी बिहेवियर को डायरेक्ट कर रहा है तो okay? आर मोटिवेशन इनको डिफाइन करो नीड का मतलब क्या है ड्राइव का मतलब क्या है इंसेंटिव का मतलब क्या है मोटिव का मतलब क्या है हमेशा याद रखेंगे आप बेटा हम... तो बेटा इस नीड को अगर हम डिफाइन uh, करेंगे पहली टर्म इट इज द लैक ऑफ समथिंग विच इज एक्सपीरियंसड बाई द ऑर्गेनिज्म अभी मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी को भूख लगी तो किसकी कमी है यार फूड की फूड इज द नीड तो नीड हियर मीन लैक ऑफ समथिंग विच इज एक्सपीरियंसड बाई द ऑर्गेनिज्म ओके ड्राइव का मतलब क्या है अगर वो नीड फुलफिल नहीं हुई तो अंदर से भाई आपको टेंशन होगा द टेंशन दैट इज काज बाय द डिफेंसी ऑफ द नीड नहीं मिलेगा एक घंटा नहीं मिल रहा है दो घंटा हो गया खाना नहीं मिल रहा है तो ऐसा करते 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 आपको यार बहुत ज्यादा टेंशन होगा मेंटल टेंशन होगा होगा कि नहीं होगा तो वो टेंशन जो कैसे उठा नीड की वजह से समझ आ गया

उस चीज को हम कहते हैं इंसेंटिव सो नाइस ऑफ यू एंड द लास्ट वन यू कैन सी इट इज मोटिव मोटिव इज ब्रॉडर टर्म इट इंक्लूडस नीड ड्राइव इंसेंटिव सो व्हेन नीड इज फुलफिल्ड ड्राइव इज फुलफिल्ड विद हेल्प अप इंसेंटिव एंड ऑर्गेनिज्म इज मोटिवेटेड तो मोटिव इज एक्चुअली अ ब्रॉडर टर्म व्हिच इंक्लूड्स ऑल द अबाउट टर्म्स दैट इज नीड ड्राइव इंसेंटिव ओके

आपको ये तीनों थ्योरीज सॉरी तीनों टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स पढ़ने हैं फाइन ओके okay. अब चलते हैं बेटा बायोलॉजिकल मॉड्यूल्स पे ये बायोलॉजिकल मॉड्यूल्स क्या है ये बायोलॉजिकल मॉड्यूल्स को हम साइको नॉट साइकोलॉजिकल यहां पे मैंने गलत लिखा इट इज फिजियोलॉजिकल इट इज फिजियोलॉजिकल यहाँ पे मिस्टेक है बेटा आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जिन जिन बच्चों के पास ये नोट्स है तो यहाँ साइकोलॉजिकल के बदले आप फिजोलॉजिकल मोटिवेशन लिखो एज दे आर मोस्टली गाइडेड बाई फिजोलॉजिकल बॉडी तो बायोलॉजिकल मोटिवेशन जो है फोकस इज ऑन इनेट बायोलॉजिकल काज लाइक हारमोन न्यूरो ट्रांसमीटर्स एंड ब्रेन स्ट्रक्चर्स ठीक है तो बायोलॉजिकल मोटिव वो मोटिव है जो हमारे बॉडी को फोकस करती है इनेट बायोलॉजिकल काज लाइक हारमोन न्यूरो ट्रांसमीटर्स एंड ब्रेन स्ट्रक्चर्स तो इसमें कौन कौन से बायोलॉजिकल मोटिव आते हैं हंगर थर्स्ट सेक्स एंड स्लीप तो चलते बेटा हंगर की बात करते हैं हंगर जो है द बायोलॉजिकल बेस ऑफ हंगर इज साइकोलॉजिस्टिस होल्ड दैट चेंजेस इन द मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ लिवर रिजल्ट इन द फीलिंग ऑफ हंगर देखो हमारी बॉडी में जब हम फूड खाते हैं ना बेटा तो फूड जब हम खाते हैं वो स्टोमक में चला जाता है वहाँ सारी जो एनर्जी होती है वो हमारी बॉडी में चली जाती है लेकिन कुछ पार्ट ऑफ दैट वेरी एनर्जी स्टोर लिवर ओके जब लिवर को भी ये स्टोरड एनर्जी खत्म हो जाती है तो ये लिवर जो है ये इसको फीलिंग्स आती है कि भाई मुझ में अब भूख लगी मेरे अंदर भी बॉडी में खाना नहीं है तो मैं बॉडी को क्या दू अभी क्या करता है Liver क्या करता है ये ब्रेन स्ट्रक्चर होता है हमारे बॉडी में इसको कहते हैं हाइपोथैलमस ये लिवर सेंड सिग्नल करता है हाइपोथैलमस को जिसमें लेटरल हाइपोथैलमस एंड वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलमस है ये एक्सक्रीटरी एरिया है तो ये हंगर को कंट्रोल करता है फिर ये वापस मतलब मैसेज देता है एंड वी फील हंगरी तो बेसिकली वाई वी फील हंगरी लिवर ड सिग्नल टू द हाइपोथैलमस और हाइपोथैलमस ब्रेन को सिग्नल देता है तब स्टोम को पता चलता है कि भाई स्टोमक एमपीटी है और हमें भूख लगती है और हम किसके लिए जाते हैं खाना खाने के लिए तो इट इज द मैकेजम ऑफ हंगर सेम इज द केस विदर्स्ट अगर हम थर्स्ट की बात करेंगे ना बेटा जस्ट अ सेकेंड यस अगर हम इसी तरह थर्स्ट की भी बात करेंगे थर्स्ट ऑफ वाटर मेनली ट्रिगर्ड

Osmo receptors, देखो यहाँ पे लिखा मैंने आपको समझ आ गया ये जितने भी बॉडी में सेल्स होते हैं ना ये सेल्स सिग्नल सेंड करते हैं थ्रो ऑसमो रिसेप्टर्स ब्रेन को तो फिर हमें पता चलता है कि वी आर थर्स तरह बेटा सेक्स ड्राइव का भी यही हाल है सेक्स ड्राइव जो है

येस तो दिस इज़ ऑल फॉर टोडेज लेक्चर इनशाला तो टमोारो आई एम गोइंग टू कम्प्लीट होल दिस यूनिट वाई बिकॉज कल हम मैकलेंडस थ्योरी और मैसलोज इब्राहम मैसलोज थ्योरी वो भी हमके साथ डिस्कस करेंगे इनशाला इनशाला कल जो है तीसरा लेक्चर जो है सॉरी तीसरा यूनिट जो है वो इनशाला कम कंप्लीट होगा तो दीजिए अपने शायद सर को इजाजत थैंक यू मेला ब्लेस यू एंड कीप ऑल इज लर्निंग एंड बेटा विश यू ऑल द बेस्ट